तो आज हम जा रहे हैं, मेरी बेटी का कुछ फंक्शन है स्कूल में, तो उसे हम वहाँ पे जाके उसको देखेंगे और फंक्शन को मतलब रिबन काटेंगे। रिबन हम ही काटेंगे? अरे नहीं नहीं आज एनुअल डे है। देखो कितनी तैयारी करती है, बहुत ज्यादा तैयारी करने के बाद भी यहाँ पे थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, तो वो डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रही है। मीनाक्षी तुम्हारे चेहरे पे आज एक अजीब सी चमक है। अजीब सी मतलब? वो धूप की आ रही है ना सामने दोस्तों। तो अभी अभी मीहू पहले ही चले गई है, उसको स्कूल बस में चले गई थी। अब हम जाएंगे और हम देखेंगे हमारी बेटी क्या करती है ना, क्या कमाल करती है। पसीने आ रहे हैं। किसको आ रहे हैं? मुझे। एसी चला लो। एसी खराब है, गाड़ी का एसी खराब हो गया। पिछली बार जब गांव गए थे तो वहां पे मैं आवाज आई थी। तो दोस्तों हम जब चलेंगे आपको बताएंगे। बोलो। मैं ये सोच रहा था मीनाक्षी, हमने गाड़ी निकाल के अच्छा किया कि नहीं किया, क्योंकि पार्किंग का पता नहीं है मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। मेन प्रॉब्लम तो ये है ना पार्किंग की। दोस्तों वहाँ स्कूल के यहाँ पार्किंग नहीं है, पता नहीं फिर हम कहाँ करेंगे पार्क। सुनो एक काम करो जी, आप ना मुझे स्कूल ड्रॉप कर दो, ठीक है, फिर मेट्रो स्टेशन पे खड़ी करके फिर आप पैदल पैदल आ जाओ। बहुत दूर है मेट्रो स्टेशन यार। चुपचाप आ जाना, इतना तो चल ही सकते हो। ठीक है। कैसे है आलसी? क्या कह रही हो? चलना पड़ेगा। एक सिर्फ आधा किलोमीटर दूर भी नहीं है, और बताओ इसे पैदल चलने की आदत नहीं है। तो मेरे मीनाक्षी तुम्हारे चेहरे पे अलौकिक चमक है, है? हाँ सूरज की। जैसे बिल्कुल एक जैसे स्कूल के फोटोग्राफर यहाँ रहे थे बच्चों का, ऐसा अगर आप फोटो लेना चाहते हैं तो क्लास टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे। मूछ आप सर जैसे तुम्हारी तो बहुत है, माइक्रोस्कोप से वो ज़्यादा देते हैं। तो डीएवी के चेयरमैन आ गए हैं सर, और सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारी प्रिंसिपल मैम भी आ गई हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब डीएवी गान होगा। बच्चों को स्टेज पे लाने से उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है ना, देखिए कितने कॉन्फिडेंट है दोनों बच्चे। और ये बारबी डॉल की तरह लग रही है प्यारी। मैंडेटरी है ये तो, स्वागत। ये सबने हर फंक्शन में होता है, ये वाला स्टार्ट इसी से होता है। बच्चे ड्रम भी बजा रहे हैं, बच्चे हर चीज़ हर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे प्ले किया जा रहा है। देखिए बच्चों द्वारा कितने फिफ्थ क्लास के इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना प्यारा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आजकल का आधुनिक जमाना है, देखिए लाइट जला के बीच जलाया, वाह मजा आ गया। कौन कहता है एक हाथ से ताली नहीं बजती है। लो फ्रॉम आवर मेंटर्स डिड वी लर्न, आवर कमिटमेंट इज दैट क्वालिटी एजुकेशन वी आर गोल। लॉन्ग लिव डीएवी। लेट कोई मतलब नहीं बच्चों के लिए आ रहा है।
बहुत देर से अपनी स्पीच दी, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये यहाँ के गेट वेट सब बंद कर दिए, लेकिन मामला नहीं है, बोर हो गया जाने की खुशी में, इन्होंने स्टेज छोड़ना ही नहीं था। हमारी तरफ से भी थैंक यू। अब बच्चे यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक प्ले करेंगे जिसका नाम है अनुभूति, और इसमें ये सभी नवरस को दिखाएंगे कौन कौन से मतलब रस होते हैं, जीवन के सभी रसों का यहाँ पे उल्लेख होगा और बहुत ही सुंदर एक प्रस्तुति है इन बच्चों द्वारा। दोस्तों सबसे पहले आ गया है हास्य रस, जो जिसके बिना जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। अरे महाराज तो क्या हो गया, किस हालत में खाए जा रहे हैं? अरे महाराज तो खाते जा रहे हैं, कल डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें ठंडी चीजें नहीं खानी है। पर महाराज तो रुक ही नहीं रहे हैं, अरे हम क्या करें क्या करें? अरे हाँ तेनालीरामा, ये जो महाराज है खाए जा रहे इसकी प्रॉब्लम होने लगी, सबने तेनाली नामा को बुलाया। महाराज की तबीयत खराब होती जा रही, आप कुछ करिए, नहीं तो महाराज को कुछ हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। भैया आ गई मनस्वी खारोल, मेरी बेटी ये मीहू बता रही है श्रृंगार रस के बारे में। मिलन की खुशी देता है, ये है श्रृंगार रस। अब आया है करुण रस। सुदामा जी जब किशन जी से मिलने आए तो सबसे ज्यादा करुणा की बात यही थी। सबसे सुंदर मिलन है कृष्ण और सुदामा जी का मिलन। तो दोस्तों अब यह है क्रोध रस, जब सती जी अपने आप की आहुति दे देती हैं तो शिव जी तांडव करते हैं और वो सबसे बड़ा क्रोध होता है।
यहाँ बात हो रही है वीर रस की, जो कि पृथ्वीराज चौहान जी दिखा रहे हैं। दोस्तों आप भी कभी कभार डर जाते हो ना, तो यहाँ पे हो रहा है भयानक रस के बारे में बात। जब दिखती है तो हमें आता है अद्भुत रस। सोने से चमकती किरणें सारा संसार जगमग जगमग कर जाए, ये कलकल करती नदियां धरती की गोद में लहर लहराए। हमारी राधा, इसकी छुट्टी हो गई है। मिंदु ने बहुत अच्छा डांस किया था, बहुत प्यारी लग रही थी मेरी बच्ची। फिर चलो दर्श आएगा, है ना। अरे भाई साहब क्या है। अच्छी मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, और ये देखो कितना गंदा, बिजली शोर मचाता है, इतना गंदगी करता है ये। मेरी बेटी, मेरी शान, मेरी मेरा पहचान हो गया। हाँ, और मेरी सास की बेटी उससे भी बड़ा। बोलो मेरी सास की बेटी तूफान। तूफान मेरी जिंदगी में आंधी तूफान। मेरा बेटा वो रहा, देखो कितना सुंदर डांस किया था। मियो शक्ल दिखा, ओए हट भाई यहाँ से, एक बार हट। ओए होए ब्यूटीफुल मेरी बेटी। मेरे पापा भी यही बोलते थे मेरे बारे में। ये लो पकड़ो मेरी बैडी में पकड़ो। हम आ गए हैं डोसा। अब हम कहाँ गए? स्वामी चाइनीज है इसके अंदर। साउथ इंडियन चाइनीज है इसके अंदर, है साउथ इंडियन और चाइनीज। मियो बहुत अच्छा परफॉर्म किया तुमने। इसके अंदर चाइनीज है और साउथ इंडियन। क्या कह रही हो? देखो दोस्तों कितनी अच्छी बात लिखी है, कृपया अन्न की बर्बादी ना करें, प्लीज डू नॉट वेस्ट द फूड। देखो लिखा बेटा बच्चों पर स्वामी जी का डोसा खा रहे हैं, इडली। बाबू तुझे क्या खाना है, ये अच्छा लग रहा है तुझे? हैं बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। क्या है? बहुत ही घटिया डांस किया इसने। ओ भाई चिंपैंजी भाई, कार को भाई, कार को आगे भी है। और इस शीशे में देखो, यहाँ मीनाक्षी, यहाँ देखो, यहाँ भी है चिंपैंजी।
कितने सारे और भाई हमारी गाड़ी में भी बैठा हुआ ओ यार, खत्म हो गया भंडारा क्यों यार दोस्तों हमारे ऊपर इतना बड़ा दुख झेलना पड़ रहा है ना हमें यार खत्म भी हो गया 300-400 रुपए की चीज खाई और यहाँ भंडारा भी खत्म मैं तो भंडारा ही खा लेती मुझे क्यों खिलाया तुमने वो मुझे क्या पता था भंडारा हो रहा है यहाँ पे इन्होंने लाइव लोकेशन थोड़ी ना भेजी थी भंडारा करा रहे हैं यार बता देना चाहिए मेरी वाइफ को बता दो यार अगर टैग करना जो भंडारा इधर भी भंडारा हो रहा है भंडारा लवर मेरी वाइफ है भंडारा लवर चलो और नहीं और हमेशा की तरह लौट के बुद्धू घर को आए भाई मेरे को नहीं कह रही मम्मी बेटे तुम आप ही को कह रही हूँ मैं आपको मैं तो ये आती है शोक मेरे लिए थोड़ी ना ये आप ही के लिए होती है मेरे हर वचन आपके लिए कोई बात नहीं बनती है क्यों नहीं बन रही आपकी बनती है मेरी क्यों नहीं बनती क्योंकि तुम लॉजिकल बात नहीं करती तुम लॉजिकल बोला मैंने उतरो चलो तो दोस्तों अब हमारा ये ब्लॉग एंड हुआ आपको कैसा लगा आप बताइएगा आपके कमेंट्स और मतलब जो भी सजेशन हो हमें जरूर बताइएगा और मीनाक्षी हाँ बताइए कुछ आपने बोला ना मैंने उस पर एक्शन कर दिया ठीक है और आपको मेहू यानी मनस्वी की परफॉर्मेंस कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके बताइएगा मेहू भी जानना चाहती है ना हमारे सब्सक्राइबर्स को कैसी लगी थी खाने में लगी हुई ठीक है दोस्तों बाय बाय टाटा सी यू सुनील खारोल बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है